तक पहुंचाएंगे उनका इतिहास भी बताएंगे। मैं रोक रही हूं आपको, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर, कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। कोरोना के 1 लाख से ऊपर केस नए सामने आए हैं एक दिन में। 700 से ज्यादा, 794 लोगों की मौत आप समझिए एक दिन में हुई है। कोरोना ने इसी के साथ साथ सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक बार से फिर कोरोना की जो दूसरी लहर है वो ऊपर बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कई जगहों पर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। अब कोरोना के जरा आंकड़े आप देख लीजिए, अपने आप में चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े। जहां आंकड़ा 1,45,000 पहुंच गया, सारे रिकॉर्ड कोरोना ने तोड़ा है। आपको बता दें कोरोना की ये जो केसेस हैं ये वाकई चिंता की लकीर पैदा कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक और दबाव यहां पर अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माथे पर है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको और तेजी से बढ़ाना होगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी कई जानकारियां सामने आ रही है कि कई जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, दूसरी डोज लोगों को नहीं लग पा रही। तो तमाम दिक्कतें अभी लोगों के सामने आ रही है। लेकिन इस बीच एक बहुत जरूरी चीज जो लोगों को खुद से करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और मास्क लगाए रखना है। क्योंकि जरा आंकड़े आप देख लीजिए, जिन लोगों को ये लगता है कि कोरोना खत्म हो गया उनके लिए ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं देखना। कोरोना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं एक दिन में। 1,00,000 से ज्यादा, 1,50,000 नए केस आए हैं एक दिन में। 794 लोगों की, यानी लगभग 800 लोगों के, 750 लोगों की, माफ कीजिए 800 लोगों की ये मौत हुई है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है मौत का भी, क्योंकि इससे पहले ये जानकारी आ रही थी कि ज्यादा मौतें नहीं हो रही हैं, लेकिन अब ये आप समझिए करीब 800 लोगों की मौत, तो ये बड़ा आंकड़ा है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जहां एक तरफ देखिए केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं, वहीं मौत का आंकड़ा भी 800 के करीब पहुंच गया है। मौत का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब तक का है कि नए जो केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में, वो इतने ज्यादा केसेस अब तक नहीं आए हैं पिछले 1.5 साल से, जब से कोरोना की शुरुआत हुई है भारत में। जो मौत के मामले की बात आपने पूछा, इससे भी ज्यादा एक दिन में 24 घंटे में मौत की संख्या हो चुकी है। लेकिन सरकार की बार बार यही कोशिश है कि जो मौत के आंकड़े हैं और उसको कंट्रोल किया जाए, उसको उस पर कहीं कहीं कंट्रोल करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन कराया जाए और जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन दी गई है उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए। लेकिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, तो ये एक खतरनाक बात इस लिहाज से क्योंकि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर हमें और आपको ही देखिए जागरूक होना होगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा दंगल जिसमें हम आपको दिखा रहे थे पश्चिम बंगाल में किस तरीके से 5 जिलों में 44 सीटों पर मतदान जारी है। चुनाव के चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ प्रशांत चुरे जो आंकड़ों को समझा रहे थे, हमारे साथ चंद्रमोहन मौजूद थे, अमित सिंह और अमित पांडे, तमाम सहयोगी पल पल नजर रखे रहेंगे इस पर। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद भी ये महा कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।